नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मटर की कचौरी बनाने जा रही हूँ, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टेस्टी बनते हैं ये। तो सबसे पहले हम लेंगे मटर, ये हरे मटर हैं और इसे हमने छिलका इसका निकाल लिया है। इसे हम पेस्ट तैयार करेंगे अदरक और हरी मिर्च डाल के। हरी मिर्च हम एक ही डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग भी खाते हैं, इसीलिए तीखा कम डालेंगे। इसमें खूब सारा हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और ये पेस्ट हमारा हो गया रेडी। एक कढ़ाई बैठाएंगे, उसमें हम डाल देंगे तेल, सरसों का तेल, उसमें डाल देंगे जीरा। जीरा का अच्छे से तड़क गया तो इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच बेसन। बेसन डालने से कचौरी का टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। देखिए, बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, तब इसमें हम पेस्ट डाल देंगे। मटर का जो पेस्ट तैयार करके रखे थे उसे डाल देंगे। आप चाहे तो पेस्ट जो तैयार किया उसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, मैं बिना लहसुन की बना रही हूँ। इसे अच्छे से हम भूनेंगे। ये देखिए, इसका गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो ये हमारा भून गया है, तब इसमें हम डाल दे रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। और इसमें अब हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर थोड़ी सी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और डाल देंगे इसमें आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो इसमें हम चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे भूनने में हमें 4 से 5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि गैस का फ्लेम हम स्लो रखते हैं, नहीं तो ये हमारा पेस्ट जो है जल जाएगा। तो ये हमारा पेस्ट में सभी सूखे मसाले हमने पाउडर डाल दिए हैं और ये हो गया रेडी। तो इसे हम साइड में रखते हैं। अब आटा का डो लगा लेते हैं, जो पूरी वाले डो होते हैं उसी तरह बनाएंगे। इसमें तेल, अजवाइन और नमक डालेंगे। तेल डालने से होता क्या है कि क्रिस्पी बनता है, खास्ता बनता है कचौरी हमारा। तो अब इसमें हम डाल दे रही हूँ थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल और इसका हम पूरी की तरह सख्त डो बनाएंगे। जो आटे का जो रोटी बनाने का डो रहता है उससे हल्का सा सख्त रखेंगे। और ये डो हमारा हो गया रेडी। तो इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो गया है और ये डो काफ़ी बढ़िया सेट हो गया है। तब आपको जितना भी बड़ी कचौरी बनानी है उतना बड़े आप लोई ले सकते हैं। और इसे हम इस तरह कटोरी शेप में करेंगे। इसमें हम जो पेस्ट बना के भून के रखे थे इसे हम इसमें डाल देंगे। ये काफ़ी टेस्टी कचौरी बनती है, तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें इसे। और ठंडी में तो बहुत सभी को पसंद आते हैं। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा। तो देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है। देखिए, कहीं से भी नहीं फटा है। गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई बैठाएंगे। कढ़ाई में खूब सारा तेल डालेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे हम इस तरह से हल्का हल्का दबा देंगे तो ये अपने आप फूल जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया से हमारा फूल गया है। फूली फूली कचौरी हमारा हो गया रेडी एक साइड। अब इसे हम पलट लेंगे और देखिए कितना बढ़िया कलर भी आया है। काफ़ी बढ़िया बन गया है कचौरी और जितना बढ़िया लग रहा है देखने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में। इसी तरह से हम दूसरा भी डाल देंगे। आप 3-4 जितना भी मन करे, जितना आपका कढ़ाई में जगह है उतना डाल सकते हैं। तो ये हमारा कचौरी हो गया है क्रिस्पी खास्ता कचौरी रेडी। और इसके साथ मैंने बनाए हैं आलू की सब्जी। कचौरी के साथ आलू की सब्जी मेरे फैमिली में बहुत पसंद करते हैं। आपका जो भी पसंद हो, जिससे भी मन करे उससे आप इसे खा सकते हैं। तो देखिए कितना खास्ता बना है, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी गर्म है ये। तो देखिए कितना बढ़िया बना है, कहीं से फटे नहीं है, कहीं से क्रैक नहीं है। और ये टेस्टी मटर कचौरी बनके हो गया रेडी। तो वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।